नमस्कार, बलिया लाइव के बुलेटिन संझवत में आपका स्वागत है। वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर 102 और 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने सोमवार को महिला अस्पताल परिसर में सेवा प्रदाता कंपनी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आंदोलनकारी कर्मचारियों ने सीएमओ डॉक्टर पी के मिश्र को पत्रक भी सौंपा। इसमें कहा गया है कि जनपद में 102 और 108 एम्बुलेंस संचालित कर रही सेवा प्रदाता कंपनी GVKEMRI ने श्रम विभाग से किए गए समझौते की अवहेलना की है। अभी तक कर्मचारियों का न तो वेतन बढ़ाया गया है, न ही फर्जी कॉलर केस का दबाव बंद किया गया है। अगर कर्मचारियों को तत्काल न्याय नहीं मिला तो सारे कर्मचारी 26 फरवरी को कार्य बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। उधर सामुदायिक स्वास्थ्य के अगौर पर सोमवार को जब इलाज कराने के लिए मरीज और उनके तीमारदार पहुंचे तो चिकित्सक के कमरे में ताला लटका हुआ था और फार्मासिस्ट भी नदारद थे। इसकी सूचना मिलने पर वहां भाजपा नेता प्रतुल कुमार ओझा पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को मोबाइल से यह जानकारी दी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर दीपक गुप्ता को भेजा गया। बांसडी क्षेत्र के हालपुर खेवसर राजपुर नगर से रामावती देवी, प्रभावती देवी, मुन्नी देवी, राधेश्याम सहित दर्जनों लोग आज पहुंचे थे। मरीजों का कहना है कि विगत 2 दिनों से वे लोग इलाज के लिए आ रहे हैं और बैरन लौट जा रहे हैं। बिल्थरा रोड नगर के न्यू सेंट्रल पब्लिक एकेडमी प्रांगण में बाल उत्सव समारोह उड़ान का भव्य आयोजन किया गया। विधायक धनंजय कनौजिया संघ प्रबंधक सतीश दुबे ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर बाल कलाकारों की अद्भुत अकल्पनीय और मनोहारी प्रस्तुति देख लोग ताली बजाने को विवश हुए। विधायक धनंजय कनौजिया, नगर पंचायत चेयरमैन दिनेश गुप्ता और सेंट जेवियर्स स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर जे आर मिश्र समेत सभी ने बच्चों की प्रस्तुति को मुक्त कंठ से सराहा। मनस्थली एजुकेशन सेंटर रेवती पर CBSE इंटर की शारीरिक शिक्षा शास्त्र परीक्षा में 10 छात्र अनुपस्थित पाए गए। ऑब्जर्वर डॉक्टर संगीता मिश्रा और केंद्र व्यवस्थापक CV मिश्र ने बताया कि कुंवर कॉन्वेंट और सिटी कॉन्वेंट सहित सातवार के कुल 123 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। वीर लोरिक पर काव्य खंड लिखने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को दुबहण पहुंचा। बलिया लाइव संवाददाता कृष्णकांत पाठक ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने वीर लोरिक से जुड़े स्थलों का भ्रमण कर उनसे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से अध्ययन किया और आवश्यक जानकारी दी। बताया कि वीर लोरिक वाण भट्ट के समकालीन थे और वह मगध नरेश विष्णुगुप्त के सेनापति भी रहे। उनकी वीरता से जुड़ी अनेक कथाएं आज भी प्रचलित हैं। प्रतिनिधिमंडल में हरिद्वार प्रसाद बिहवल, परशुराम यादव, डॉक्टर मनु यादव, सुमूरत यादव, रामचंद चंचल, बब्बन विद्यार्थी आदि शामिल रहे। आदिवासी जनजाति गोंड खरवार समुदाय के सदस्यों की बैठक गढ़वार को सिंचाई विभाग के डाक बंगले में द ग्रेट गोंडवाना के तत्वावधान में हुई। इसमें 1 मार्च को वाराणसी में आयोजित आदिवासी महासम्मेलन में अधिकाधिक सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष कौशल कुमार गोंड ने बताया कि वाराणसी में प्रस्तावित इस आदिवासी महासम्मेलन के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके और विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहेंगे। इंटक जिलाध्यक्ष विनोद सिंह ने सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत नेशनल हाईवे 31 के किनारे सुघर छपरा ढाले पर 6 सूत्री मांगों के समर्थन में सैकड़ों लोगों के साथ महापंचायत का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केहरपुर और गंगापुर में सबसे पहले कठान रोधी कार्य तुरंत शुरू कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग भी नहीं बचेगा। ग्राम पंचायत गोपालपुर में ध्वस्त रिंग बंधे का निर्माण तत्काल कराया जाए। ग्राम सभा गोपालपुर और केहरपुर के कटान पीड़ितों को तत्काल गृह अनुदान दिए जाए। दुभण छाना क्षेत्र के विसेनी डेरा मोड़ पर रविवार और सोमवार के दरमियानी रात लगभग 2 बजे के करीब एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनाग्रस्त वाहन में कुल 6 लोग सफर कर रहे थे। दुर्घटना के दौरान वाहन में आगे बैठे 23 वर्षीय दीपक पाल पुत्र लीला पाल निवासी चैन छपरा थाना रिविलगंज जिला छपरा और 20 वर्षीय महेंद्र पुत्र विजमोहन गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटना में घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुँचाया। वहाँ इलाज के दौरान दीपक पाल की मृत्यु हो गई। बैरिया तहसील में हुए बवाल के बाद तहसील कर्मियों की हड़ताल 4थे दिन सोमवार को भी जारी रही। इसके चलते लोगों को हो रही असुविधाओं से मुक्ति दिलवाने के लिए आज बलिया सांसद ने पहल की।
सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने संवाद कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के जनता जनार्दन, हड़ताली कर्मचारियों और तहसील के अधिकारियों से इस मुद्दे पर बातचीत की। आग्रह किया कि जनहित में हड़ताल खत्म हो, इसके लिए उन्हें क्या करना है निसंकोच बताएं। बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने बलिया लाइव संवाददाता वीरेंद्र नाथ मिश्र से बातचीत में कहा कि इसके लिए मैं खुद क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आप लोगों को प्रशिक्षित नहीं कर पाया कि कैसे जनता का काम का समस्या का समाधान करेंगे। मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं। एक सांसद होने के नाते क्षेत्र के मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कार्य को, तहसील के कार्य को प्रारंभ करिए, अपने संगठन को भी मेरे निवेदन को पहुँचा दीजिए और मैं आपकी समस्या का समाधान जनता के सहयोग से करूंगा। जनता ने भी इस बात का भरोसा वहाँ दिया है। तो क्या उम्मीद किया जाए कि मैं तहसील में आऊंगा? अभी मैंने अपने उप जिलाधिकारी महोदय और पुलिस के सर्किल अफसर से भी मैं निवेदन किया हूं कि आप अपने सभी कर्मचारियों को एक साथ बैठकर कार्य की एक नई पद्धति शुरू करने के लिए उनसे एक अपना बांसटी के खरौनी गांव में सेंड आर्टिस्ट रुपेश कुमार सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अनोखे ढंग से स्वागत किया। खरौनी गांव में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ताजमहल का रेत पर चित्र बनाकर रुपेश कुमार सिंह ने मौजूद लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। रुपेश महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के छात्र हैं। आइए जानते हैं बलिया लाइव संवाददाता रविशंकर पांडे से बातचीत में रुपेश ने क्या कहा। रुपेश कुमार सिंह है, विद्यापीठ में फाइन आर्ट का स्टूडेंट हूँ। अभी देखा गया कि पीछे आप कुछ चित्र बना रहे हैं, तो ये किस चीज़ पे बन रहा है और कैसे बना रहे हैं आप इसको? ये अमेरिका के राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, ये सैंड आर्ट है, सैंड स्कल्पचर। तो हमारे देश में अमेरिका के राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, तो उनको स्वागत करने के लिए हम अपने तरफ से, अपने गांव के तरफ से, अपने ज़िले के तरफ से, हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, हमारे प्रदेश आगरा में आ रहे हैं ताजमहल देखने। तो हम अपने प्रदेश के तरफ से अब सैंड आर्ट बनाकर और उनको उनके स्वागत सम्मान में मैंने सैंड आर्ट बनाई। मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर अगली बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।